गाइस, बस दिस इज प्रवीण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड स्टॉनशिप ब्लॉग्स। तो आज बहुत ही शानदार और मस्त वीडियो बनने वाला, बिकॉज आई हैव परचेस एप्रिला SR160 एप्रिलिया। तो आज इसका रिव्यू भी हो जाएगा एंड टेस्ट राइड भी हो जाएगा। तो चलिए राइड करते हैं एंड इसका रिव्यू भी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मस्त कैसा लग रहा है ये बताओ, एक नंबर। ठीक है ना, रिव्यू ठीक देगा ना। हाँ, लुक सही लग रहा है ना। वही तो, तेरा नज़र से व्यू देख रहे। अभी स्कूटी का तो वेल, अभी रोड पे टेस्टिंग चल रहा है कि रोड में कैसे कटिंग स्मूथली चलता है। तो ये वीडियो आपको बड़ी अच्छा लगेगा। जो भी अगर कोई भी SR160 एप्रिल लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो देखो एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, तो बताएं ज़रा। एंड अभी तो टेस्टिंग चल रहा है, गाड़ी का आज टेस्ट करते हैं, स्पीडिंग टेस्ट एंड टाउन में किस तरह से बिहेव करता है स्कूटी। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका स्कूटी में, बिकॉज पावर है 160 लगभग सीसी का है, तो 160 तो यानी कि स्कूटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर इसी का है। एंड टॉप स्पीड इसका लगभग, अब टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, ऐसे में पता नहीं चलेगा ना सबका अलग अलग। 100+ तो है इसका, तो हाईवे के लिए भी अच्छा है। एंड टायर ग्रिपिंग वगैरह मोटा टायर दिया हुआ तो उसके हिसाब से सॉलिड है ये। माइलेज ज़्यादा आपको देगा ना, 30 से 35 देगा टाउन के। आई थिंक हाईवे में भी बढ़ जाए तो अभी वोल्ट तो वो आप देख सकते हो। तो ट्रैफिक से पहले निकल जाए अपन। अभी जस्ट पहुंचा हूं मैं बरियातू रोड एंड अभी कुछ देर में बुट्टी मोड़ भी पहुँच जाऊँगा। तो ये वीडियो देखते रहो, बने रहो एंड जितना हो सकेगा इन्फॉर्मेशन देना पाऊँगा कि SR160 एप्रिलिया किस तरह से चल रही है एंड मज़ा आ रहा है कि नहीं। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज स्कूटी का सेगमेंट में सबसे टॉप क्लास का पावर है इसका एंड बड़ा व्हील होने की वजह से ऐसे मेरे को लग रहा कुछ ज़्यादा हाइट पे चढ़ा हूँ। एंड बस दिक्कत तो वैसा मेरे को कुछ लग नहीं रहा, आराम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग आराम से हो रहा है। थोड़ा सा बस हैंड साफ हो जाएगा तो और मज़ा आएगा, शॉर्ट्स वगैरह मार दें। मेन ट्रैफिक एरिया है ना, तो यहाँ पर आप दबा के नहीं चला सकते हो, कब कहाँ से ऑटो स्कूटी कार वगैरह से निकलते रहता है। तो मेरे साथ चल रहा है मुमताज एंड अपन लोग थोड़ा गेड़ी मारेंगे कहाँ चल सकते हैं। सही है नहीं, पिकअप ठीक है ना, भाग रहा ना अभी, ट्रैफिक जाम में थोड़ा अटक जाते हैं। तो अपन जा रहे हैं अभी VIT मोड, एक नंबर है, मजा तो आ रहा है। तो हाँ,
अब बाइक जैसा थोड़ी है। बाकी से तो ठीक है, अच्छा है भाई। आज टेस्ट रिव्यू बना रहे हैं कि कैसा कंटेंट बनेगा। मेरे साथ मुमताज ब्रो अपने डिस्कवर सॉरी अपने बजाज डोमिनर में है 400cc बाइक, एंड इसी तरह का कुछ कंटेंट मिलेगा राइडिंग से, मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड एंड मोटो राइड होने वाला, मज़ा आएगा। अब थोड़ा बाइक राइडिंग का अलग ही मज़ा रहेगा। तो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है एंड सडनली पिकअप भागता है। इतना है कि आप कोई भी बाइक से 150cc बाइक से आप कंप्लीट कर सकते हो इस बाइक को आराम से। अरे बोलो डोमिनर भी मस्त है, लेकिन लंबा टूर के लिए टूरिंग के लिए नंबर मेरे को भी अच्छा लगता है। तगड़ा बाइक है, 400cc टॉप स्पीड 170 प्लस है और भागकर तगड़ा है। दबा से चल रहा है स्कूटी, भी भूल जाते हैं बहुत साल बाद आ रहे हैं ना, मुड़ना कहाँ। तो सन ड्रेस ऑफिसर कॉलोनी की ओर जाना है, इसको बोलते हटू बोलते हटू। पता नहीं रोड भी खराब है क्या, रोड तो हाँ लगाना पड़ेगा। हैजर लाइट लगाएंगे, हैजर्ड तो ये इधर इस तरफ रोड बन रहा है, जिसकी वजह से भी रोड का हालत ऐसा है और जल्दी ही बनेगा। इसके बाद तो मजा आएगा। पूरा रोड इसी तरह लग रहा है। कर दिया खराब अवस्था में रोड रहता है।
तो अभी तो आप देख सकते हो भाई, रोड इधर का थोड़ा खराब स्थिति है एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सीमेंट रोड आधा बन गया, आधा बनने वाला, तो जल्दी बन जाएगा तो इसके बाद मजा आएगा, मजा चलाने में। चलो ऑफ्रोडिंग मस्त है, अच्छा फुल ऑफ्रोडिंग। ओ मैया हट जा हट जा। अरे साला रोड की वाट लग जा रही है, फुल ऑफ रोड। चारों तरफ प्लस, देखना स्केट करेगा। तो कादो कीचड़ फुल टेस्टिंग चल रहा है, जिससे पता चलेगा कि टायर ऑफरोडिंग टायर होना बहुत ज़रूरी है ऐसा रोड के लिए, स्कूटी में खासकर। ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंच गया। तो ये जो एरिया है इसको हुटू बोलते हैं और यहाँ पर बिस्लरी मिनरल वाटर वगैरह सारा चीज़ बनते रहता है, मतलब पानी का जो बॉटल होता है ना, इधर फिल्ट्रेशन होता है फिल्टर होके और जितना भी मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है, तो बहुत सही है। एंड भाई इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या, व्हाट इज दिस इंजीनियरिंग कॉलेज और व्हाट। फुल रास्ता है खराब, ऑफ रोडिंग है खराब। बारिश का मौसम में तो आना ही नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, सीधा चलो सीधा सीधा। साला किधर से जाएंगे वे, पूरा ऑफ रोडिंग मजा आ रहा, गाड़ी तो गंदा हो के बर्बाद हो जाएगा। प्लस कीचड़ कीचड़ से कीचड़ से पूरा ऑफ रोडिंग मजा आएगा। इधर पार्टी चल रहा है एंड दिस इज कॉल्ड रोज आइलैंड। गाड़ी चल जाएगा ना साला वहाँ तक, गाड़ी आज गाड़ी ना जा भाई, नहीं जाते ना गाड़ी, रोड वो खराब है नहीं। अरे एक और रास्ता था, पानी भर गया है फरवरी ने खुजेगा पूछ मांगने। ओह मौसम बारिश पानी है तो भर गया हो नहीं। चलो नजारा देख रहा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सुख रोज आइलैंड बोलेंगे। अरे लगा वो खुल गया, लगा लगा लगा, अरे हीट हो गया है।
साइड है लोकेशन, एक नंबर लग रहा है इधर। मस्त है, ऑफ रोडिंग टायर भी चाहिए भाई अपन को। बहुत सही लग रहा है लेकिन लोकेशन, क्या बादल दिखते हैं, बादल है शानदार, एक नंबर है। वहीं पर मुमताज, एक जगह मस्त लग रहा नहीं है, सही बोला, बंसी तो लाना चाहिए था। आगे जाएंगे आगे, हाँ। तो हम लोग पहुंच गए दूसरा साइड, ये नज़ारा देख रहा है, ये है खूबसूरत पहाड़, एंड अभी पानी वहाँ पर आने वाला रहा होगा। लोकेशन मस्त है नहीं, अच्छा लग रहा है ना, मछली मारने के लिए बहुत सही जगह। तो वेल, अभी जस्ट हम लोग पहुँचे आउटलुक के पास। ये जो नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये डैम है गेतलसूद और सिकंदरी डैम भी बोलेंगे। और मेरे साथ है अप्रिला SR160 एंड डोमिनर 400। मस्त, तो यहाँ फोटोशूट हो रहा है एंड फोटोग्राफी एंड ब्लॉगिंग्स। तो कैसा लगा? अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? मोबाइल है, वाटरप्रूफ बना दिया रहा तो। अरे समझ रहे कि वो है, देखिए देखिए लड़का क्या कर रहा है, मोबाइल को पानी में डुबा डुबा के फोटो शूट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्स टैलेंट्स। टैलेंट का कमी नहीं है। और वो देखो बहुत दूर में बंदा बोटिंग कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, किसी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो बोला नहीं लेते ले। तो मी एंड मुमताज ब्रो के साथ अपन यहाँ गेड़ी मार रहे। ये आपका खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं हुटूप लोकेशन, एंड इधर है प्रेला एंड इधर है डोमिनर। डोमिनर सबको डोमिनेट करता है, डोमिनेट बोलते हैं। तो लगभग अपन आज का शूट ख़त्म हो चुका है एंड टेस्ट राइड पूरा मज़ा आ गया। अभी रात हो गया तो अभी जा रहा हमारा पास ही, एंड वहाँ से फिर घर चलेंगे। तो वीडियो में अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। या छोटा सा तो बैटरी है अभी जैसी है, दबा के चलाते हैं गाड़ी, कितना भागता है स्कूटी। तो अभी दबा के चलाते हैं, देखते हैं कितना स्पीड जाता है स्कूटी का। मेरा इसको क्या हो गया पता नहीं।